Now another C program based on string operations. इस केस में जस्ट परफॉर्म कराना रन टाइम पर आपको कीबोर्ड से एक स्ट्रिंग एंटर कराना, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर एंटर क्या करना, एटलीस्ट वन इंटीजर नंबर और हैविंग डिजिट्स प्लस देन। इस केस में जो भी नंबर एंटर किया है इसके अंदर जितने भी डिजिट्स फाउंड हुए सभी नंबर्स के रिस्पेक्ट में जस्ट परफॉर्म कराना स्क्वायर ऑफ ईच नंबर प्लस मल्टीपल नंबर सेपरेट करें बेस्ड ऑन स्पेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई स्ट्रिंग एंटर किया लाइक दैट 10 स्पेस 20 स्पेस 30 लाइक दैट, इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या करना है, स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट रीड करना है। इन जब तक डिजिट्स फाउंडर इस केस में देखा जाए तो मीन्स टोटल नंबर सेपरेट किस हो रहे हैं, सेपरेटेड बाई स्पेस। तो स्पेस के रिस्पेक्ट में टोटल थ्री नंबर फाउंडर, फर्स्ट नंबर है 10, सेकेंड नंबर इज 20, थर्ड नंबर इज 30। टोटल इस केस में नंबर्स कितने, थ्री नंबर। फर्स्ट के रिस्पेक्ट में जस्ट जैसे 10 फाउंड हुआ 10 के रिस्पेक्ट में मीन्स डिजिट्स रीड कब तक करना है, जब तक स्पेस नहीं मिल जाता है। मैं सबसे पहले इस केस में नंबर्स के रिस्पेक्ट में रीड किया हुआ 1, नेक्स्ट टाइम 0, इसके जस्ट बाद क्या है स्पेस। जैसे इस केस में स्पेस में लिया था रीड करना स्टॉप करके जो ऑलरेडी आपने नंबर रीड कर लिया है पहले, तो इन डिजिट्स को जस्ट सॉरी अभी ये डिजिट्स अवेलेबल किस फॉर्म में, कैरेक्टर्स के फॉर्म में। सारे के सारे डिजिट्स लॉजिकली पहले नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कराएं, देन जस्ट परफॉर्म के कराएं इक्विवेलेंट स्क्वायर। मीन्स इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या रहेगा, 10 के रिस्पेक्ट में क्या प्रिंट होगा जस्ट 100, नेक्स्ट टाइम 100 के रिस्पेक्ट में सॉरी 10 का स्क्वायर प्रिंट कराने के बाद नेक्स्ट टाइम स्पेस के जस्ट बाद नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कमिंग डिजिट्स रीड करेंगे, नेक्स्ट डिजिट्स क्या है 20, देन अगेन स्पेस, स्पेस के रिस्पेक्ट में अगेन स्टॉप करके जो ऑलरेडी नंबर रीड कर लिया इसके रिस्पेक्ट में जस्ट डिस्प्ले करा हुए स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्या है इसमें 400। सिमिलरली इन केस ऑफ 30 के रिस्पेक्ट में एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आएगा 900। दिस इज द आउटपुट अकॉर्डिंग टू गिवन स्ट्रिंग। लेकिन इस केस में जस्ट मैंने वैलिड स्ट्रिंग एंटर किया है, अदर पॉसिबल इनपुट्स क्या हो सकते हैं इस केस में, सपोज दैट वी आर एंटरिंग सम इनपुट लाइक दैट स्पेस स्पेस 5 स्पेस 10 स्पेस ए बी सी। इस पर्टिकुलर सेकेंड केस के अकॉर्डिंग बात करें तो सेकेंड केस के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में फाउंड क्या हो रहा है, इस बिगिनिंग में ही ऑलरेडी क्या फंड हो रहा है स्पेस। तो इससे पहले कोई डिजिट आपने रीड ही नहीं किया इसलिए कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा। मीन्स अगर किसी भी प्लेस पर स्पेस फाउंड होता है स्पेस के लिए स्क्वायर कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं, स्पेस को जस्ट स्किप कराएंगे। इसका मेन पर्पज क्या, सेपरेटिंग मल्टीपल इनपुट नंबर्स। देन फर्स्ट टाइम ये बिगिनिंग में स्पेस फाउंड होता है इसको सिंपली स्किप करा के नेक्स्ट डिजिट्स को रीड कर, नेक्स्ट डिजिट क्या फाउंड हो रहा 5 के बाद अगेन क्या स्पेस। तो सेकंड स्पेस के ऑकरेंस से जस्ट पहले ऑलरेडी 5 को रीड कर चुके, देन 5 का स्क्वायर डिस्प्ले करा दोगे, देन नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे अगेन 1, देन 0, देन स्पेस। जैसे स्पेस में देन प्रीवियस रीडिंग नंबर को आप जस्ट परफॉर्म क्या कराओगे जस्ट अगेन स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम आपको बिगिनिंग में क्या मिला है ए के रिस्पेक्ट में बात करें, ये वैलिड डिजिट है इनवैलिड डिजिट, मीन्स आपको स्क्वायर कब तक परफॉर्म कराना, जब तक वैलिड डिजिट्स फाउंड हो रहा है। वैलिड डिजिट्स क्या होंगे 0 to 9। मीन्स इस केस में वैलिड सिंबल्स क्या होंगे 0, 9 स्पेस एंड नल, दीज आर वैलिड इनपुट्स। नल का पर्पज क्या, टर्मिनेटिंग स्ट्रिंग। स्पेस का पर्पज क्या, सेपरेटिंग मल्टीपल नंबर्स। लेकिन इसके अलावा कोई भी अदर इनपुट सिंबल फाउंड होता है देन इमीडिएटली इस प्रोसेस को स्टॉप करना, क्लियर। इस रिमेनिंग केस में कंसिडर होंगे एज इनवैलिड केस। तो इस केस में जैसे ए फाउंड हुआ ए इज नॉट अ वैलिड डिजिट्स, इस ए को डिजिट्स या नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पॉसिबल, इसलिए इमीडिएटली रेज क्या हुआ जस्ट एरर मैसेज। देन इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जस्ट मैंने इनपुट स्ट्रिंग यूज किया लाइक दैट, इस केस में क्या है स्पेस 3 स्पेस स्पेस, हो सकता है मल्टीपल स्पेस एंटर किए गए हों इसलिए मैंने 2 स्पेस को इंक्लूड किया। नेक्स्ट टाइम 15 स्पेस 4a, अगर 4a है तो 4 में से स्पेस का 4a, 4 तो वैलिड डिजिट है लेकिन ए कैसा है इनवैलिड, तो ए के केस में स्टॉप करा, लेकिन ऑलरेडी रीड किया कर चुके हैं 4 के अकॉर्डिंग डिस्प्ले क्या कराएंगे जस्ट स्क्वायर। ये सबसे पहले अगेन प्रीवियस प्रोग्राम की तरह इस केस में सबसे पहले मैं लॉजिक डिस्कस करूंगा, देन लॉजिक डिस्कशन प्रोवाइड करने के बाद फाइनली राइट डाउन करें इक्विवेलेंट सोर्स कोड, क्लियर। सबसे पहले आपको स्टेप्स पता होना चाहिए, स्टेप्स क्या होंगे इसके, जस्ट आपको एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना समथिंग लाइक कन्वर्ट। इसे कन्वर्ट फंक्शन में सप्लाई क्या करना है इनपुट स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रिंग एरे का नेम क्या है समथिंग ए और लाइक दैट स्पेस 3 स्पेस स्पेस 15 मीन्स 15 स्पेस 4a, दिस इज द इनपुट स्ट्रिंग। जैसे इस स्ट्रिंग को पास करें तो इसके रिस्पेक्ट में जस्ट इस फंक्शन का वर्किंग क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के रिस्पेक्ट में एग्जैक्टली स्क्वायर डिस्प्ले कराना। तो स्क्वायर किसका डिस्प्ले हुआ 3, 15 और 4। तो इसके लिए जस्ट इनपुट्स के रिस्पेक्ट में बात करें ओनली सिंगल इनपुट रिक्वायर्ड है, स्ट्रिंग टाइप रिटर्न टाइप क्या हुआ इसका नथिंग, मीन्स देयरफॉर वी आर टेकिंग एज void, फंक्शन नेम एज कन्वर्ट
इस फंक्शन का वर्किंग क्या है, जस्ट कन्वर्टिंग गिवन स्ट्रिंग और रीडिंग देयर नंबर्स, और नंबर्स को रीड डाउन करने के बाद जस्ट डिस्प्ले क्या कराना, इक्वलेंट स्क्वेयर कैर स्टार एरे नेम और पॉइंटर नेम एस ई। नेक्स्ट में फर्स्ट केस, सबसे पहले इस केस में आपको टोटल वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड है, वन थिंग्स, इस आपको लूप के एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट विजिट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या, वो इटरेटिव वेरिएबल आई, प्लस जो भी नंबर रीड करोगे नंबर्स को कहीं ना कहीं स्टोर कराने की नीड होगी, नंबर को स्टोर कराने के जस्ट बाद उसका फाइनली आप डिस्प्ले क्या कराओ, स्क्वेयर। तो रीडिंग इनपुट्स को या रीडिंग डिजिट्स को बार बार रीड डाउन करने के बाद किसी किसी वेरिएबल में असाइन करना होगा, इस केस में टू इंटीजर वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, समथिंग नंबर विद इनिशियल वैल्यू जीरो एंड इटरेटिव वेरिएबल आई, प्लस इस एरे के ऑल एलिमेंट्स रीड करने के लिए जस्ट यूज क्या करेंगे, लूप आई इक्वल्स टू जीरो, लूप कब तक चलाना, जब तक ए ऑफ आई में आपको नल नहीं मिल जाता, ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू नल एवरी टाइम आई प्लस प्लस। नेक्स्ट वन एक्चुअल लॉजिक इस पर्टिकुलर फॉर लूप के अंदर प्रोवाइड करना, फॉर लूप के अंदर जस्ट लॉजिक्स क्या होंगे, इस पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग, सपोज दैट दिस स्ट्रिंग इज पॉइंटेड बाय ए, इन दैट केस स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में वन बाई वन सारे के सारे कैरेक्टर्स रीड कराए। वन मोर थिंग्स, अगर स्ट्रिंग के अंदर कोई भी डिजिट अवेलेबल है तो नहीं डिजिट रियल में कंसिडर क्या हुआ, कैरेक्टर्स, बिकॉज इट इज एनक्लोजिंग इनसाइड सिंगल कोड, तो सिंगल कोड के केस में अगर कोई भी डिजिट ऑकर हुआ है तो मेमोरी में किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होंगे, इक्वेलेंट आस्की वैल्यू, जीरो के रिस्पेक्ट में बात करें जीरो को आस्की वैल्यू क्या 48, अगर कहीं भी आपने राइट डाउन किया जस्ट जीरो प्लस फाइव एंड डायरेक्टली जीरो प्लस फाइव, अगर सेकंड केस में बात करूँ सेकंड केस में जीरो क्या है नंबर, फाइव क्या है नंबर, जीरो प्लस फाइव इज रिजल्ट इज फाइव, लेकिन फर्स्ट केस में अगर बात करें फर्स्ट केस में जीरो के प्लेस पर क्या रिप्लेस हुआ, देयर आस्की वैल्यू 48 प्लस फाइव, तो इस केस में रिजल्ट क्या आएगा 53, क्लियर। सिमिलरली अगर आपने राइट डाउन किया फाइव प्लस फाइव, व्हाट इज द रिजल्ट, इस केस में फर्स्ट केस में फाइव क्या है कैरेक्टर, तो कैरेक्टर्स के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो, देयर आस्की वैल्यू, आस्की वैल्यू ऑफ 5 इज 53 देन प्लस 5, रिजल्ट क्या है इस केस में जस्ट 58 लाइक दैट। मींस फाइनली डिजिट्स के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन आस्की वैल्यूज के रिस्पेक्ट में परफॉर्म करा, मींस अगर आपके पास कोई भी डिजिट है तो डिजिट्स के लिए डायरेक्टली स्क्वायर कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं, रीजन फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में डिजिट क्या है 3, अगर 3 के रिस्पेक्ट में आप डायरेक्टली इसका स्क्वायर परफॉर्म कराओगे, स्क्वायर क्या हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या हुआ आस्की वैल्यू, आस्की वैल्यू ऑफ 3 इज 51 मल्टीप्लाई बाई 51, तो ये स्क्वायर रियल में 3 का आएगा 51 का, लेकिन 3 को सबसे पहले आप कन्वर्ट किस में करोगे, एक्चुअल नंबर्स में, किसी भी डिजिट को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया था, अगर किसी भी डिजिट को जीरो के आस्की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कराते हैं देन इस केस में डिफरेंस क्या आएगा एक्चुअल डिजिट, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द आस्की वैल्यू ऑफ 3 51, आस्की वैल्यू ऑफ 0 48, डिफरेंस इज एक्चुअल 3, 3 माइनस 0 इज नंबर क्या मिला इस केस में 3, इस केस में आस्की वैल्यू प्रोवाइड करना जैसे आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, 1 का आस्की वैल्यू का 49, आस्की वैल्यू ऑफ 2 इज 53, का आस्की वैल्यू क्या है इस केस में 51, 4 का आस्की वैल्यू क्या है 52, 5 53, 6 54 एंड अप टू 9, आस्की वैल्यू ऑफ 9 इज 57, क्लियर लाइक दैट। ये सबसे पहले आपको इस केस में ऑपरेशंस क्या परफॉर्म कराना, जो भी स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट रीड करना बाय यूजिंग लूप, तो लूप के रिस्पेक्ट में मैंने क्या किया टू वेरिएबल्स क्रिएट हुए नंबर एंड आई, इटरेटिव वेरिएबल आई एंड नंबर, नंबर्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो नंबर का इनिशियलाइजेशन मैंने किससे कराया बाई जीरो, इनिशियल वैल्यू ऑफ नंबर इज जीरो, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो आई का वैल्यू क्या होगा इस केस में जस्ट जीरो, देन चेक होगा वैल्यू ऑफ ए ऑफ जीरो, ए ऑफ जीरो में क्या फाउंड हो रहा है स्पेस, और स्पेस के रिस्पेक्ट में आस्की वैल्यू के स्पेस में आस्की वैल्यू नोट डाउन करने से आपको कन्फ्यूजन हो 32, आस्की वैल्यू ऑफ 3 इज 51, मीन्स अगर आपने कैरेक्टर्स के फॉर्म में कहीं भी 3 यूज किया है इसके प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ 51, अगेन 32, अगेन 32, 49, 53, 32, इसमें सारे कैरेक्टर्स के आस्की वैल्यू रीड डाउन राइट डाउन कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन ए, ए के केस में आस्की वैल्यू क्या 65,
नल के केस में आस्की वैल्यू क्या है, जस्ट जीरो। तो सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टर रीड किया है, मीन्स हो सकता है स्ट्रिंग के बिगिनिंग में कई सारे स्पेसेस अवेलेबल होते, नहीं नहीं स्पेसेस के लिए कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने की जरूरत है क्या, नहीं। इस फाइनल ये लॉजिक्स में थ्री स्टेप्स में कंप्लीट करूंगा। फर्स्ट स्टेप सबसे पहले चेक करेंगे ए ऑफ आई के रिस्पेक्ट में स्पेस, अगर ए ऑफ आई में स्पेस स्टोर है तो आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, इज विदाउट एग्जीक्यूटिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लूप डायरेक्टली लूप को अगेन कंटिन्यू कराओगे या लूप के एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। तो इसके इसमें जस्ट यूज करेंगे इफ कंडीशन, इफ ए ऑफ आई इज इक्वल इक्वल्स टू जीरो, सॉरी स्पेस, अगर ए ऑफ आई के अंदर करंटली स्पेस स्टोर है तो इसके इसमें कंडीशन कैसा होगा ट्रू, और कंडीशन ट्रू होने के इसमें रिमेनिंग कोई ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कराना है, लूप का एग्जीक्यूशन इसके इसमें कंटिन्यू रखना है विदाउट एग्जीक्यूटिंग रिमेनिंग पार्ट, मीन्स कंटिन्यू से कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ सेंड होगा आई प्लस प्लस, क्लियर, मीन्स रिमेनिंग पार्ट इसका एग्जीक्यूट नहीं होगा। फर्स्ट केस में अगर बात करें करंटली आई का वैल्यू क्या है जीरो और ए ऑफ जीरो में क्या है स्पेस, स्पेस इक्वल इक्वल स्पेस, देन कंडीशन ट्रू, ट्रू है तो कंटिन्यू से कंट्रोल कहाँ जाएगा आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस होने से आई का वैल्यू क्या हो जाएगा वन। फर्स्ट केस क्या है या तो स्पेस मिलेगा, दूसरा केस क्या है या डिजिट्स या फिर अदर स्पेशल सिम्बॉल्स और अल्फाबेट्स लाइक दैट ए, तो स्पेशल सिम्बॉल्स या अल्फाबेट्स मिले उस केस में आपको जस्ट एग्जीक्यूशन स्टॉप करना है, लेकिन एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कब तक रखना है जब तक आपको या तो स्पेस मिल रहा है या फिर डिजिट्स मिल रहा है, तो डिजिट्स के रिस्पेक्ट में कंडीशन अप्लाई करें नेक्स्ट टाइम स्पेस मिल रहा था ना कोई एक्शन परफॉर्म करने नीड नहीं थी इसलिए मैंने कंटिन्यू करा। दूसरा कंडीशन क्या आएगा इस केस में एल्स इफ, नेक्स्ट केस में टेस्ट केस क्लियर करेंगे इफ ए ऑफ आई कंटेंस डिजिट्स, पर ए ऑफ आई के अंदर डिजिट स्टोर है देन उस केस में डायरेक्टली स्क्वायर परफॉर्म नहीं कराना, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट डिजिट के बाद अगेन मल्टीपल डिजिट्स पॉसिबल हो या नंबर के अंदर एक से ज्यादा डिजिट्स पॉसिबल है, इस जैसे इस केस में 15 की केस में आपका 1 के केस में डायरेक्टली आप 1 का स्क्वायर कैलकुलेट नहीं करो, 1 आने के बाद नेक्स्ट डिजिट डिलीट करोगे देन फाइनल नंबर क्या आ जाएगा आपका 15 और स्क्वायर किसका आएगा 15 का नॉट ओनली 1। तो इस केस में जस्ट चेक करें चेक द गिविन कैरेक्टर डिजिट और नॉट, तो इस केस में लॉजिक क्या है, इस केस में कैरेक्टर किससे रिप्रेजेंट हो रहा है एवरी टाइम ए ऑफ आई से, अगर ये डिजिट है कि नहीं, अगर रियल में ए ऑफ आई के अंदर डिजिट है देन ए ऑफ आई का आस्की वैल्यू कैसा होगा ग्रेटर देन 48, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 48 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 57, तो इस केस में 48 के प्लेस पर यूज क्या कर सकते हैं कैरेक्टर जीरो, इस केस में अगेन अप्लाई क्या करना है लॉजिक्स ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज, अगर ए ऑफ आई का वैल्यू जीरो से बड़ा है आस्की वैल्यू, अगर ए ऑफ आई का आस्की वैल्यू जीरो के आस्की वैल्यू से या तो बड़ा है या इक्वल है देन सेकंड कंडीशन टेस्ट होगा ए ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ 9, अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू हैं देन इस केस में आप शेयर हो करेंटली ए ऑफ आई के अंदर अवेलेबल क्या है डिजिट्स, अगर ए ऑफ आई में डिजिट स्टोर है देन इसका मतलब क्या है मीन्स करेंटली अगर बात करें आई का वैल्यू क्या हो चुका है 1, नेक्स्ट टाइम अगेन कंडीशन टेस्ट होगा ए ऑफ 1 इक्वल इक्वल स्पेस, ए ऑफ 1 में क्या 3 का आस्की वैल्यू क्या है 51, स्पेस का आस्की वैल्यू क्या है 32, तो यहाँ कंपेरिजन किसका होगा 51 इक्वल इक्वल 32, इस दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है देन एल सिप को चांस मिलेगा और एल सिप के केस में जस्ट परफॉर्म क्या होगा फर्स्ट वन ए ऑफ आई में करंटली क्या स्टोर है 3 का आस्की वैल्यू क्या 51 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 48, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, सेकेंड कंडीशन टेस्ट करके देखते हैं 51 लेस देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ 9 का आस्की वैल्यू क्या 57, मीन्स दोनों ही कंडीशन एंड के केस में कैसे हैं ट्रू, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है देन इस केस में परफॉर्म क्या कराना है जस्ट जो भी मीन्स इसका मतलब क्या है आप इस केस में इस कंडीशन के बेस पर श्योर हो चुके हो ए ऑफ आई कहीं ना कहीं डिजिट को होल्ड कर रहा है, अगर डिजिट स्टोर है देन इस डिजिट को आसान किस में कराना है नंबर में, लेकिन इस केस में स्क्वायर डायरेक्टली कैलकुलेट करना है क्या नहीं, स्क्वायर कब कैलकुलेट करोगे जब ए ऑफ आई के अंदर नेक्स्ट टाइम डिजिट के बाद या तो स्पेस मिलता है या फिर नल मिलता है या फिर अदर सिंबल मीन्स इनवैलिड सिंबल, तो इस केस में जस्ट आपको कैलकुलेट क्या करना है नंबर, मीन्स जो भी डिजिट मिला है इस डिजिट को जस्ट नंबर में साइन कराना है, डिजिट को नंबर में डायरेक्टली साइन करोगे देन प्रॉब्लम क्या हो जाएगा इस केस में डायरेक्ट केस में साइन किया वो इक्विवेलेंट आस्की वैल्यू 51, तो किसी भी डिजिट को जिस 3 को कन्वर्ट किस में कराना है 3 क्या कैरेक्टर, इस कैरेक्टर को डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट इसको सबट्रैक्ट करेंगे आस्की वैल्यू ऑफ 0, 3 का आस्की वैल्यू क्या 51, 0 का आस्की वैल्यू क्या 48, डिफरेंस इज 3, क्लियर, तो इस केस में राइट डाउन क्या करेंगे 3 किस में स्टोर है ए ऑफ आई माइनस आस्की वैल्यू ऑफ 0, इस केस में डिफरेंस क्या है 51 माइनस 48, डिफरेंस इज 3, 3 किस में साइन हो जाए नंबर में, लेकिन हो सकता है 3 के जस्ट वन नेक्स्ट टाइम अगेन क्या रहा हो समथिंग सम
डिजिट, अगर थ्री के बाद अगेन डिजिट है तो अभी आपको स्क्वायर कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो मीन्स फर्स्ट टाइम इसमें क्या साइन हो जाएगा? थ्री। और नेक्स्ट टाइम थ्री के बाद में अपेंड क्या कराना है? जीरो। मीन्स जब भी आपके किसी भी नंबर के एंड में कोई भी डिजिट अपेंड कराना होता है तो उस केस में यूज क्या करते हैं? जस्ट नंबर इक्वल्स टू नंबर मल्टीप्लाई बाई टेन, इससे क्या अपेंड हुआ? अपेंडिंग डिजिट प्लस इस ए ऑफ आई माइनस जीरो से क्या आएगा? सम डिजिट। जैसे इस केस में डिजिट क्या आ रहा है? थ्री। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट टाइम आपने ए ऑफ आई का वैल्यू रीड किया जीरो, फर्स्ट टाइम इस केस में क्या साइन हो रहा है? जस्ट वैल्यू एज थ्री। नेक्स्ट टाइम अगर इस प्लेस पर जीरो फाउंड होता रियल केस में तो इस प्लेस पर अगेन कंडीशन चेक करें, नंबर का वैल्यू क्या है? थ्री। और थ्री को टेन से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा? थर्टी। प्लस ए ऑफ आई में क्या जीरो, जीरो माइनस जीरो का डिफरेंस क्या आएगा? जीरो प्लस थर्टी। तो इस केस में रिजल्ट क्या अपेंड हो रहा है? ऑल्सो थर्टी। अगर इस प्लेस पर वन है देन इस प्लेस पर भी क्या आएगा? वन। वन माइनस जीरो के आस्की वैल्यू में डिफरेंस कितने का आएगा? वन का। तो क्या आएगा इस केस में? थर्टी वन। इस टाइप से किसी भी डिजिट के लास्ट में न्यू डिजिट को अपेंड कराना पॉसिबल है। क्लियर? इस रियल केस में क्या इस प्लेस पर? स्पेस। फर्स्ट केस में ए ऑफ आई का वैल्यू क्या था? वन। में से एक्चुअल लॉजिक क्या रहा? डन करें दैट वन। मैं डिजिट रीड करने के बाद अभी करेंटली आई कहाँ सेट है? सेकेंड प्लेस पर, क्योंकि आई के अंदर स्टोर क्या है? वन। नेक्स्ट टाइम जस्ट आपको परफॉर्म क्या कराना है? इसे रीड करने के बाद मीन सबसे पहले जो भी डिजिट आपने रीड कर लिया है, कैरेक्टर को रीड करने के बाद डिजिट में कन्वर्ट करा लिया, डिजिट में मीन इसका रिजल्ट क्या था? थ्री। और नंबर में आसान क्या हो चुका है? वैल्यू ऑफ नंबर बिकम्स थ्री। नेक्स्ट वन। अब आपको चेक करना है कि नेक्स्ट प्लेस पर अगेन डिजिट है या फिर स्पेस है या फिर नल है। मीन्स नेक्स्ट प्लेस पर पॉसिबल केस क्या होंगे? मीन्स अगर नेक्स्ट प्लेस पर आपको या तो स्पेस मिलता है या फिर नल मिलता है, देन इस केस में आपको कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने की जरूरत है क्या? मीन्स इस केस में अगर स्पेस फाउंड हुआ देन आप इसका मतलब क्या? मीन्स नंबर के अंदर ओनली सिंगल डिजिट है या ऑलरेडी जितने डिजिट्स आप रीड कर चुके ओनली इतने ही डिजिट अवेलेबल है, इस केस में आपको इमीडिएटली डिस्प्ले क्या कराना है? स्क्वायर। तो इस केस में कंडीशन क्या चेक करोगे? आई का वैल्यू क्या है? वन। आपको चेक कहाँ करना है? आई प्लेस पर और आई के नेक्स्ट प्लेस पर, आई के नेक्स्ट प्लेस पर। तो उसको आप नेम क्या दे सकते हो? ए ऑफ आई प्लस वन। नेक्स्ट टाइम अगेन इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे इस केस में, इफ ए ऑफ आई प्लस वन इक्वल इक्वल स्पेस और इस चेक क्या करना, टू पॉसिबल केस होंगे जिस केस में आपको स्क्वायर डिस्प्ले कराने की जरूरत है। या तो ए ऑफ आई प्लस वन मीन्स क्या? आई के नेक्स्ट प्लेस पर या तो स्पेस फाउंड हो, आई अभी कहाँ सेट है? वन पर। आई वन है लेकिन नेक्स्ट प्लेस क्या? टू। तो टू किससे मिलेगा? आई प्लस वन से। नेक्स्ट प्लेस पर या तो स्पेस मिल रहा है या फिर नल मिल रहा है, देन उस केस में मीन्स स्पेस के लिए फर्स्ट नहीं, या नल मिलता है देन नल के केस में कंडीशन क्या हो जाएगा? ए ऑफ आई इक्वल इक्वल नल। अगर इनमें से एक भी कंडीशन टू है देन इसका मतलब क्या है? मीन्स आगे आपको इस नंबर करेंट नंबर के लिए डिजिट्स रीड करने की जरूरत नहीं, मीन्स नंबर सेपरेट हो चुका है देन इसको इसके रिस्पेक्ट में जस्ट इमीडिएटली डिस्प्ले क्या कराना है? स्क्वेयर। तो इफ के अंदर जस्ट डिस्प्ले क्या कराएंगे? स्क्वेयर ऑफ गिवन नंबर प्रिंट एप परसेंट डी। फर्स्ट परसेंट डी के केस में जस्ट ओरिजिनल वैल्यू डिस्प्ले कराऊंगा, देन नेक्स्ट केस में डिस्प्ले कराऊंगा इक्विवेलेंट स्क्वेयर स्लैश एन। फर्स्ट केस में क्या डिस्प्ले करा? नंबर। और सेकंड केस में स्क्वेयर। किसी भी नंबर का स्क्वेयर क्या होता है? नंबर मल्टीप्लाई बाई नंबर। तो इस प्लेस पर जस्ट प्रिंट एप में राइट डाउन क्या करें? नंबर मल्टीप्लाई बाई नंबर। चेक करो करेंटली आई का वैल्यू क्या था? वन। देन वन के अकॉर्डिंग नंबर में क्या साइन हो चुका? थ्री। नेक्स्ट टाइम ये कंडीशन टेस्ट होगा ए ऑफ वन प्लस वन मीन्स ए ऑफ टू इक्वल इक्वल स्पेस, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन टेस्ट करने नीड ही नहीं, देन इमीडिएटली प्रिंट एफ एग्जीक्यूट हो तो प्रिंट एफ के केस में डिस्प्ले क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ नंबर एंड नंबर मल्टीप्लाई बाई नंबर। तो नंबर का करंटली वैल्यू क्या स्टोर है आपको? नंबर में क्या स्टोर है? थ्री। तो फर्स्ट प्लेस पर क्या आएगा? थ्री। नेक्स्ट प्लेस पर क्या? थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री, सॉरी ओनली थ्री। देन फर्स्ट परसेंट डी के प्लेस पर क्या डिस्प्ले हुआ? थ्री। थ्री मल्टीप्लाई थ्री इज नाइन। फाइनली फर्स्ट केस में रिजल्ट क्या प्रिंट हुआ? थ्री स्पेस नाइन। क्लियर? नेक्स्ट टाइम अब आप एक मीन इसका मतलब क्या है? मीन इसे इफ कंडीशन की वजह से आप श्योर हो नेक्स्ट प्लेस पर एक्सपेक्ट किया रहा है आइदर नल और स्पेस, देन इस केस में स्पेस के बाद अगेन ऑकर क्या हुआ? नेक्स्ट नंबर। तो नेक्स्ट नंबर के केस में अगेन आपको स्टार्टिंग से ऑपरेशन परफॉर्म कराना, इसलिए नंबर को इनिशियलाइज किससे कराना होगा? जैसे एग्जिस्टिंग नंबर को डिस्प्ले कराने के बाद एवरी टाइम नंबर में आसान क्या करा हुए? जीरो। अदरवाइज ऑपरेशन सेम प्लेस से कंटिन्यू हो जाएंगे। तो नंबर के केस में क्या आसान हो जाएगा? जस्ट जीरो, नंबर बिकम्स जीरो। क्लियर? देन क्लोज दिस एल्स इफ, अदरवाइज
अगर इस पर्टिकुलर केस में इफ कंडीशन ट्रू था देन आप श्योर थे ए ऑफ आई में क्या स्टोर है स्पेस, देन स्पेस के केस में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने नीड नहीं, इसलिए मैंने प्रोवाइड किया गया कंटिन्यू स्टेटमेंट। सेकंड कंडीशन अगर ट्रू है देन इसका मतलब क्या ए ऑफ आई में क्या स्टोर है जस्ट करंट प्लेस पर क्या स्टोर है डिजिट, लेकिन डिजिट के रिस्पेक्ट में जस्ट पहले आपको डिजिट सॉरी डिजिट अवेलेबल किस फॉर्मेट में कैरेक्टर्स के फॉर्म में, इसको डिजिट्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने गिवन एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया है, देन डिजिट को रीड करने के बाद अगेन डिजिट के नेक्स्ट प्लेस पर चेक करने के लिए कंडीशन प्रोवाइड किया ए ऑफ आई प्लस वन, आई प्लस वन इस प्लेस पर भी क्या आएगा आई प्लस वन, या टाइपिंग मिस्टेक है ए ऑफ आई प्लस वन इक्वल इक्वल नल, तो फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू था इस केस में, देन इमीडिएटली नंबर को डिस्प्ले करा दिया। वन थिंग क्लियर, अगर स्पेस पर स्पेस आ चुका है देन करंट नंबर आप ऑलरेडी डिस्प्ले करा चुके हो, क्लियर। अगर आपको ना ही स्पेस मिला ना ही डिजिट मिला इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं आपको क्या मिला इस केस में सम इनवैलिड सिंबल, तो इनवैलिड सिंबल के रिस्पेक्ट में एल्स ब्लॉक के अंदर जस्ट परफॉर्म क्या करा हुए हो सकता है, जैसे इस केस में इनवैलिड सिंबल को मिलेगा ए के केस में, तो ए से पहले ऑलरेडी आप रीड क्या कर चुके हो फोर, फोर डिजिट है तो पहले फोर को डिस्प्ले कराएंगे इस केस में। अगेन सेम केस प्रिंट एफ परसेंट डी नंबर मल्टीप्लाई बाई नंबर, क्लियर क्लोज दिस। देन लूप को टर्मिनेट करने के लिए यूज क्या करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट, मीन प्रिंट एफ के जस्ट बाद प्रोवाइड क्या करोगे ब्रेक स्टेटमेंट, मैंने इस प्लेस पर एड डन क्या किया ब्रेक, देन क्लोजिंग दिस फोर लूप, फोर लूप को क्लोज करेंगे, फोर लूप को क्लोज करने के बाद क्लोजिंग क्या करेंगे दिस फंक्शन, क्लियर। चेक करते हैं इस केस में, दिस इज द प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के बाद क्या ब्रेक स्टेटमेंट, क्लोजिंग ऑफ एल्स, क्लोजिंग ऑफ लूप, क्लोजिंग ऑफ कन्वर्ट फंक्शन। देन इस केस में अगेन इसका मैं एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करके बता रहा हूँ, इस केस में स्पेशली इनपुट क्या यूज किया स्पेस थ्री स्पेस स्पेस वन फाइव स्पेस फोर ए, इस केस में सारे केस टेस्ट करना पॉसिबल है। नेक्स्ट टाइम फर्स्ट केस में आउटपुट क्या मीन से थ्री रीड हो चुका है, थ्री के अकॉर्डिंग आस्की वैल्यू भी डिस्प्ले करा चुके हैं, सॉरी इसका स्क्वायर भी डिस्प्ले करा चुके हैं। नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या हुआ आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस होगा तो आई की करंट वैल्यू क्या वन, नाउ आई बिकम्स टू, तो आई किसको रिप्रेजेंट करेगा नेक्स्ट प्लेस, नेक्स्ट प्लेस इसके लिए मीन्स अगेन क्या स्पेस, तो स्पेस से पहले जो भी डिजिट था या नंबर था उसको ऑलरेडी रीड करके आप उसका स्क्वायर भी डिस्प्ले करा चुके हैं, इसे स्पेस के लिए कोई एक्शन परफॉर्म करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो आई का वैल्यू क्या टू, ए ऑफ टू के अकॉर्डिंग फोर लूप के कंडीशन क्या पास होगा स्पेस, मीन्स 32 कंडीशन इज ट्रू इफ कंडीशन टेस्ट हुआ ए ऑफ आई इक्वल इक्वल स्पेस, तो ए ऑफ आई में करंटली क्या स्टोर है ऑल्सो स्पेस, तो फर्स्ट इफ कंडीशन कैसा ट्रू, ट्रू है तो आपको कोई एक्शन परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं, इसलिए कंट्रोल का सेंड होगा आई प्लस प्लस, क्लियर। आई प्लस प्लस होने से आई का वैल्यू क्या हो जाएगा थ्री, तो नेक्स्ट टाइम आई किसको रेफर करेगा थर्ड इंडेक्स वाले एलिमेंट को, देन अगेन ए ऑफ थ्री स्पेस, ए ऑफ थ्री इक्वल इक्वल स्पेस मीन से अगेन कंडीशन कैसा ट्रू, क्योंकि अभी भी आई के करंट प्लेस में क्या फाउंड हो रहा है स्पेस, कंडीशन टू देन फिर से कंटिन्यू, मीन अगर इस टाइप से मल्टीपल स्पेस और स्पेस के ऑक्रेंसेस को सिंपली स्किप कराना पॉसिबल बेस्ड ऑन दिस कंटिन्यू स्टेटमेंट, क्यों इस केस में आपको रिमेनिंग कोई पार्ट एग्जीक्यूट करने की नीड ही नहीं है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट केस में परफॉर्म क्या हुआ अगेन आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में जस्ट फोर, नेक्स्ट टाइम आई फोर्थ एलिमेंट को रेफर करेगा और फोर में क्या स्टोर है वैलिड डिजिट वन, वन का आस्की वैल्यू क्या है 49, अगेन कंडीशन इस प्लेस पर क्या पास होगा 49 इक्वल इक्वल 32 इफ कंडीशन इज फॉल्स, एल्स इफ टेस्ट करेंगे जस्ट इस प्लेस पर ए ऑफ आई में क्या स्टोर है वन, वन का आस्की वैल्यू जीरो से बड़ा है कंडीशन ट्रू, वन का आस्की वैल्यू नाइन से छोटा है सेकेंड कंडीशन भी ट्रू है, दोनों ही कंडीशन ट्रू होते हैं इस केस में चांस केस को मिलेगा बॉडी ऑफ एल्स इफ, इसे इस कंडीशन ट्रू होने के केस में आप श्योर हो चुके हो ए ऑफ आई में करंटली क्या स्टोर है डिजिट, डिजिट है देन इसके लिए आपको जस्ट परफॉर्म क्या कराना सबसे पहले इस डिजिट को नंबर में असाइन कराना है, देन चेक करना है डिजिट के बाद नेक्स्ट प्लेस पर स्पेस है देन उस केस में स्क्वायर भी डिस्प्ले कराना, अगर स्पेस नहीं देन उस केस में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। चेक इट नंबर मल्टीप्लाई बाई 10, नंबर का करंट वैल्यू क्या जीरो, अगर सपोज नंबर का वैल्यू प्रीवियस वैल्यू 3 होता, अगर मैंने प्रीवियस टाइम में 0 असाइन ना किया होता तो डायरेक्टली 3 से वो ऑपरेशन कंटिन्यू होता, लेकिन इस केस में ये अपने हमें सेपरेट नंबर है तो इसलिए फिर से 0 से कंटिन्यू करना, इसलिए असाइन किया गया एवरी टाइम 0। नंबर का करंट वैल्यू क्या है जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाई 10 जीरो, देन ए ऑफ आई का वैल्यू क्या है वन, वन माइनस आज की वैल्यू ऑफ जीरो, वन का आज की वैल्यू क्या है 49, जीरो का आज की वैल्यू क्या है 48, 49 माइनस 48 डिफरेंस इज वन, इस प्लेस पर रियल डिजिट क्या आएगा वन,
जीरो प्लस वाली इस वन, वन किस में आसान हो जाएगा नंबर में ना, नंबर बिकम्स वन। और फर्स्ट टाइम रीड भी क्या हुआ था ऑल्सो वन। इस केस में फोर्थ इंडेक्स में वन क्या था कैरेक्टर, लेकिन नंबर के रिस्पेक्ट में वन क्या है डिजिट बेस्ड ऑन दिस एक्सप्रेशन। मीन्स जैसे एक्सप्रेशन का जस्ट मेन पर्पज क्या है गिविन डिजिट्स को और गिविन कैरेक्टर को डिजिट्स में कन्वर्ट करना, डिजिट्स में कन्वर्ट करने के साथ साथ जो नंबर का एग्जिस्टिंग वैल्यू है एग्जिस्टिंग वैल्यू के लास्ट में अपेंड कराना, नथिंग एल्स। नेक्स्ट अब इफ कंडीशन टेस्ट होगा, इफ कंडीशन का वर्किंग क्या है आई प्लस वन, आई का करंट वैल्यू क्या है फोर, तो आई प्लस वन क्या हो जाएगा फाइव। मीन्स आई प्लस वन रेफर किसको करेगा फिफ्थ इंडेक्स, और फिफ्थ इंडेक्स में स्टोर क्या है कैरेक्टर फाइव। तो इस केस में चेक करेंगे फाइव इक्वल इक्वल स्पेस फॉल्स, देन फाइव इक्वल इक्वल नल, कंडीशन फॉल्स, दोनों ही इफ कंडीशन फॉल्स है। इस केस में नंबर डिस्प्ले कराया क्या नहीं, क्योंकि इसका मतलब इस केस में आप श्योर हो चुके हो अगर नाइन स्पेस फाउंड हुआ नाइन नल फाउंड हुआ इसका मतलब क्या है मिस नेक्स्ट प्लेस पर आगे या तो डिजिट अवेलेबल है या इनवैलिड सिंबल। देन कंडीशन फॉल्स होने केस में कंट्रोल कहाँ जाएगा मिस एल्स इफ कंप्लीट हो चुका है, एल्स इफ एग्जीक्यूट हो चुका है तो एल्स को चांस नहीं मिलेगा, कंट्रोल कहाँ जाएगा अगेन आई प्लस प्लस, आई में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव। तो नेक्स्ट टाइम आई किस इंडेक्स को या किस लोकेशन को रेफर करेगा फिफ्थ इंडेक्स्ड एलिमेंट, और फिफ्थ इंडेक्स में भी क्या स्टोर है कैरेक्टर फाइव। नेक्स्ट टाइम फाइव का आस्की वैल्यू नॉन जीरो कंडीशन ट्रू, देन फाइव इक्वल इक्वल स्पेस आस्की वैल्यू फाइव इज 53, 53 इक्वल इक्वल स्पेस कंडीशन फॉल्स, फॉल्स है देन अगेन एल्स इफ चलेगा, तो एल्स इफ के केस में फाइव क्या वैलिड डिजिट, तो इसके लिए कंडीशन ट्रू है क्योंकि फाइव का आस्की वैल्यू जीरो से जीरो के आस्की वैल्यू से बड़ा है, फाइव का आस्की वैल्यू नाइन के आस्की वैल्यू से छोटा है, क्योंकि फाइव का आस्की वैल्यू क्या है 53 विच इज ग्रेटर देन आस्की वैल्यू ऑफ जीरो विच इज लेस देन आस्की वैल्यू ऑफ नाइन। क्लियर कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है इस केस में अगेन नंबर में ऑलरेडी क्या असाइन किया था वन, प्रीवियस डिजिट क्या स्टोर है वन, वन मल्टीप्लाई बाई टेन क्या आएगा जस्ट टेन प्लस ए ऑफ आई का वैल्यू क्या है फाइव, फाइव का आस्की वैल्यू क्या है 53, तो ए ऑफ आई के प्लेस पर क्या है 53, जीरो का आस्की वैल्यू क्या है 48, 53 और 48 का डिफरेंस क्या है ऑल्सो फाइव, लेकिन डिफरेंस फाइव किस फॉर्म में कैरेक्टर्स के फॉर्म में डिजिट्स के फॉर्म में डिजिट, टेन प्लस फाइव बिकम्स 15, 15 किस में असाइन हो जाएगा नंबर में, नंबर की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 15। मीन्स इस प्लेस पर टू डिजिट्स फाउंड हुए थे, मीन्स जैसे नंबर के अंदर कितने डिजिट्स हैं टू डिजिट्स, चेक करो नंबर में कितने डिजिट वाला नंबर फाउंड हुआ टू डिजिट वाला नंबर एग्जैक्टली 15। क्लियर मीन्स जैसे एक्सप्रेशन का जस्ट वर्किंग क्या है गिवन कैरेक्टर्स को डिजिट्स में कन्वर्ट करा के नंबर के एग्जिस्टिंग वैल्यू में लास्ट में अपेंड करना। क्लियर नेक्स्ट टाइम इफ कंडीशन टेस्ट हो, इस इफ कंडीशन का पर्पज क्या है मीन्स करेंटली आप जिस प्लेस को प्रोसेस कर रहे हो करेंटली आई के पास फाइव है तो प्रोसेस क्या रहा आईथ प्लेस, अब आपको चेक करना नेक्स्ट प्लेस पर अगर स्पेस है, अगर नेक्स्ट प्लेस पर या तो स्पेस फाउंड हो रहा है या नल फाउंड होता है इसका मतलब क्या है नंबर इटसेल्फ कंप्लीट हो चुका है कंप्लीटली रीड हो चुका है, देन अगर कंप्लीटली रीड हो चुका तो आपको डिस्प्ले क्या करना ना जस्ट स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, तो चेक करो इसके लिए मैंने कंडीशन अप्लाई किया दैट वन आई प्लस वन, आई का वैल्यू क्या है फाइव, वो आई प्लस वन किसको रिप्रेजेंट करेगा सिक्स्थ इंडेक्स्ड एलिमेंट और इसमें क्या है स्पेस, तो ये कंडीशन कैसा है ट्रू आई प्लस वन इक्वल इक्वल स्पेस, आई प्लस वन मीन सिक्स, सिक्स ए ऑफ सिक्स में क्या है स्पेस, कंडीशन ट्रू है देन डिस्प्ले क्या हुआ नंबर और नंबर मल्टीप्लाई बाई नंबर बाई यूजिंग दिस प्रिंट एफ, नंबर का वैल्यू क्या है 15, तो नंबर के प्लेस पर क्या प्रिंट हुआ 15, नंबर मल्टीप्लाई नंबर के प्लेस पर क्या प्रिंट हुआ जस्ट 225। नेक्स्ट वन अगेन नंबर में क्या आसान हो जाएगा जीरो, से करेंट नंबर कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन क्या आसान करोगे जीरो। क्लियर देन एल सिप कंप्लीट होने के बाद कंट्रोल कहा जाएगा आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा जस्ट सिक्स। नेक्स्ट टाइम ए ऑफ सिक्स में क्या स्टोर है जस्ट स्पेस, ए ऑफ सिक्स में क्या फाउंड हो रहा है स्पेस, फोर लूप का कंडीशन ट्रू है ए ऑफ सिक्स इक्वल इक्वल स्पेस और ए ऑफ सिक्स में क्या ऑल्सो स्पेस मीन्स स्पेस है, तो इस केस में आपको कोई ऑपरेशन या एक्शंस परफॉर्म कराने की जरूरत है क्या नहीं, सिंपली स्किप हो जाए बाई यूजिंग कंटिन्यू, अगेन आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी सेवन। सेवंथ केस में क्या फाउंड हो रहा है डिजिट फोर, तो डिजिट फोर को या कैरेक्टर फोर को सबसे पहले डिजिट में कन्वर्ट करेंगे देन चेक करेंगे नेक्स्ट प्लेस, चेक इट अगेन फाउंड क्या रहा है आस्की वैल्यू ऑफ फोर विच इज 52, कंडीशन इज ट्रू। देन इफ कंडीशन टेस्ट करेंगे फोर इक्वल इक्वल स्पेस फॉल्स, फॉल्स है देन एल्स इफ फोर वैलिड डिजिट है मीन्स ये कंडीशन कैसा है ट्रू, क्योंकि फोर का आस्की वैल्यू जीरो से बड़ा है फोर का आस्की वैल्यू नाइन के आस्की वैल्यू से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। देन अगेन सबसे पहले जो रीडिंग डिजिट है ए ऑफ आई क्या वैल्यू इसमें फोर माइनस आस्की वैल्यू ऑफ जीरो,
4, 4 का आज के लिए क्या 52, 52 माइनस 48 डिफरेंस इज 4, तो स्पेस में इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा एग्जैक्टली 4, प्लस नंबर का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या 0, 0 मल्टीप्लाई 0 इज 0, 0 प्लस 4 इज 4, 4 किस में हो जाएगा नंबर में, इस नंबर के अंदर अभी तक ओनली फर्स्ट डिजिट रीड हुआ इसलिए नंबर में क्या प्रिंट हो रहा ओनली सिंगल डिजिट। नेक्स्ट टाइम इफ कंडीशन टेस्ट होगा, तो इफ कंडीशन टेस्ट करो ए ऑफ आई प्लस 1 में 9 स्पेस फाउंड हो रहा है, 9 नल फाउंड हो रहा है, आई प्लस 1 लोकेशन के लिए चेक करोगे तो आई प्लस 1 में क्या जस्ट कैरेक्टर ए, और ए इक्वल इक्वल स्पेस फॉल्स, ए इक्वल इक्वल नल फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्टली कंट्रोल का सेंड होगा आई प्लस प्लस, तो नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 8, तो अब आई किस लोकेशन के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करा है 8th इंडेक्स, और 8th इंडेक्स में क्या है वैलिड कैरेक्टर और इनवैलिड, इनवैलिड तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन स्टॉप होना चाहिए, क्लियर, अगर ए के बाद नेक्स्ट प्लेस पर कोई भी वैलिड डिलीट होता है तब भी ऑपरेशन कंटिन्यू होगा, चेक इट मीन्स फॉर लूप का कंडीशन ट्रू है, देन चेक क्या करेंगे ए ऑफ आई में क्या है ए, ए इक्वल इक्वल स्पेस फॉल्स, इफ कंडीशनिंग फॉल्स है देन ए, ए का आज के लिए क्या 65, ए ऑफ आई में क्या है कैपिटल ए, कैपिटल ए का आज के लिए क्या 65, ग्रेटर देन इक्वल टू आज के वैल्यू ऑफ 0 व्हिच इज 48, एन के केस में फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, लेकिन सेकंड कंडीशन जब टेस्ट करोगे 65 लेस देन इक्वल टू आज के वैल्यू ऑफ 9 और 9 का आज के वैल्यू क्या 57, सेकंड कंडीशन कैसा है फॉल्स, फॉल्स है, देन ओवरऑल एल्स इफ कंडीशन कंसीडर ट्रीट होगा या फॉल्स, फॉल्स होने की इसमें जस्ट चांस किसको मिलेगा एल्स ब्लॉक, एल्स ब्लॉक में इसका मतलब क्या इनवैलिड डिजिट फाउंड हो चुका है, और इनवैलिड डिजिट अगर फाउंड हो चुका है तो इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या कराना, अगर नंबर में ऑलरेडी कोई वैल्यू स्टोर है देन इस वैल्यू का पहले स्क्वायर डिस्प्ले कराना होगा, लेकिन इस केस में इफ के केस सॉरी प्रिंट एफ के केस में बेस्ट केस क्या रहेगा जस्ट इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ, क्लोजिंग इज द क्लोजिंग ऑफ एल्स इफ, देन इस केस में जस्ट एल्स ब्लॉक में डायरेक्टली प्रिंट एफ डिस्प्ले नहीं कराना चाहिए, रीजन सपोज दैट अगर ए बिगिनिंग प्लेस में ही फाउंड हो जाता फोर फाउंड नहीं होता तो इसका मतलब क्या है प्रीवियस प्लेस में डिजिट क्या था 15 और 15 का स्क्वायर आप ऑलरेडी डिस्प्ले करा चुके हो, लेकिन ए की वजह से कंडीशन फॉल्स था इसलिए चांस किस मिला एल्स ब्लॉक को, और एल्स ब्लॉक के केस में अभी रिसेंटली नंबर में क्या फाउंड होगा 0, तो इस केस में डिस्प्ले क्या होगा 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर डिस्प्ले कराने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब क्या ऐसे डिजिट को प्रीवियस डिजिट को आप ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हो, तो यहाँ पर्टिकुलर एल्स ब्लॉक के अंदर इनसाइड एल्स ब्लॉक, एल्स ब्लॉक में डायरेक्टली प्रिंट एप के थ्रू डिस्प्ले न करा के चेक करोगे इफ ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी इफ नंबर इज नॉट 0, अगर नंबर का वैल्यू 0 नहीं है 0 हुआ तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, अगर नंबर का वैल्यू नॉन जीरो देन ओनली इस प्रिंट एप का एग्जीक्यूशन होना चाहिए, देन ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ राइट करेंगे आउटसाइड दिस इनर इफ, इस इफ के अंदर ओनली सिंगल स्टेटमेंट, क्लोजिंग ऑफ एल्स, क्लोजिंग ऑफ फॉर लूप, क्लोजिंग ऑफ मेन फंक्शंस, क्लियर 3 क्लोजिंग आएंगे लास्ट में, देन फाइनली प्रिंट एप के केस में नंबर का वैल्यू क्या 4, 4 के अकॉर्डिंग इफ कंडीशन ट्रू है देन डिस्प्ले क्या हो जाएगा नंबर और नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, देन ब्रेक स्टेटमेंट से कंट्रोल का सेंड होगा आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, क्लियर फाइनली इस नंबर के अंदर वैलिड डिजिट्स क्या थे 3, 15 और स्पेस पर क्या था जस्ट 4, क्लियर इन दैट के तो टोटल 3 नंबर्स रिप्रेजेंट हुए थे वैलिड फॉर्म में, 3 नंबर का स्क्वायर डिस्प्ले हो चुका है, दिस इज द पर्पज ऑफ दिस कन्वर्ट फंक्शन, इस कन्वर्ट फंक्शन का जस्ट पर्पज क्या था इस प्लेस पर फंक्शन नेम कन्वर्ट से इस केस में स्ट्रिंग को पहले नंबर में कन्वर्ट कराया इसलिए मैंने फंक्शन नेम यूज किया जाए कन्वर्ट, देन नंबर्स में कन्वर्ट कराने के जस्ट बाद परफॉर्म क्या करा डिस्प्लेइंग स्क्वायर, तो इस केस में ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में जस्ट इस फंक्शन को मैं नेम प्रोवाइड कर रहा हूँ एज अ स्क्वायर ऑफ एरे ओनली स्क्वायर, क्लियर टेस्ट करने के लिए जस्ट यूज क्या करेंगे मेन फंक्शन, अगेन वी आर यूजिंग वॉइड मेन, मेन के अंदर सबसे पहले एक आपको कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करने की जरूरत होगी कैर ए साइज 10 देन रीडिंग इनपुट्स गेट्स ए देन फंक्शन कौन सा कॉल करेंगे इस केस में जस्ट स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सप्लाई क्या करोगे कैरेक्टर एरे ए, वन मोर थिंग्स याद रखना इस केस में ऑपरेशंस कब तक परफॉर्म जब तक वैलिड डिजिट्स फाउंड हो रहा है, अगर जैसे ही इनवैलिड डिजिट फाउंड होता है इमीडिएटली ऑपरेशन स्टॉप करो बाय यूजिंग दिस एल्स ब्लॉक, इस टाइप से आपके लिए किसी भी स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग के अंदर अगर वैलिड डिजिट्स फाउंड होता है इन वैलिड डिजिट्स का वैलिड नंबर्स का स्क्वायर डिस्प्ले कराना पॉसिबल है।